And do you know what I love doing the most? Helping my mom with her shoots, learning camera from Pratik Bhaiya, and troubling Naseem Bhai. I have so much fun doing this. So together, we are gonna cook some yummy and healthy food for you. So guys, welcome to my show. Hello friends, welcome to another episode of Cooking with Zora on Zukazo. So what are we cooking today, Zora? We are cooking some mango pudding. And should I tell you why we are cooking some mango pudding? Because it's mango season and mangoes are so flavorful and juicy. So that's why me and my mom have decided to make some mango pudding. Yes friends, जैसे कि जोरान ने आपको बताया अभी मैंगो का सीजन है और ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसको मैंगो पसंद नहीं होंगे. So that's why we've decided to make some mango pudding. और इस पुडिंग के लिए आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फ्रेश मैंगोज. हमने यहाँ पे दो मैंगोज लिए हैं. पुडिंग की गार्निशिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं अनार और अंगूर, एक कप पानी, एक कप कोकोनट मिल्क, 1/3 कप कोकोनट शुगर एंड सम अगर अगर, जिसे हम वेजिटेरियन जेलेटिन यानी चाइना ग्रास भी बोलते हैं. ये जो पुडिंग है ये हमने वीगन पुडिंग बनाई है, विच मीन्स कि हमने ना तो जेलेटिन यूज करा है बिकॉज इट इज एन एनिमल प्रोडक्ट और ना ही हमने इसमें दूध लिया है. इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग कोकोनट मिल्क, क्योंकि जो कोकोनट मिल्क है उससे जो मैंगो का फ्लेवर है वो और भी ज्यादा अच्छा आता है. सो ऑल इन ऑल ये सब हम यूज करके बनाने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट वीगन मैंगो पुडिंग. So let's get cooking, 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 cooking. Let's get to it, Let's get to it. Are we done? Yeah. So let's get cooking. Let's start. Let's make some mango pudding. Mango pudding. Okay. Let's make some mango pudding. Okay. So to begin, सबसे पहले हम mango को puree करेंगे. As you can see, we have cut the mangoes into small pieces. You must do that. One minute. Let me close it. Okay, begin. जैसा आप देख सकते हैं मैंगो प्यूरी बन चुका है. Now we will add the 1 cup coconut milk. और इससे जो मैंगो का है फ्लेवर और कलर और टेक्सचर और भी ज्यादा उभर के आता है. It looks yummy to me. Already. जैसे आप देख सकते हैं हमारा मैंगो प्यूरी बन गया है. इसका टेक्सचर इस तरह का हो जाना चाहिए. अभी हम बाकी की तैयारी करते हैं जब तक हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं. अब हम तैयारी करते हैं चाइना ग्रास यानी अगर अगर की. सबसे पहले हम पैन में पानी डालेंगे. इसके अंदर हम डालेंगे ये अगर अगर, जिसे हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं. उसके बाद हम धीरे धीरे इसको मिक्स करके वी विल ब्रिंग इट टू बॉयल. अब इसके अंदर हम जो कोकोनट शुगर है वो मेल्ट कर लेंगे. अब हम इस मिक्सचर को वापस से मैंगो के अंदर एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. अब इसको हम बोल्स के अंदर निकाल लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वो कोकोनट मिल्क की वजह से है. अब इसे हमें रेफ्रिजरेट करना है 2 घंटे के लिए. आप देख सकते हैं ये पुडिंग अब अच्छी तरह से जम गई है. अब टाइम है इसको थोड़ा गार्निश करने का. जोरान, मैंगोस. ये जो डेकोरेशन प्रोसेस है ये बहुत ही ऑप्शनल है. इसमें हमने मैंगो लगाया है, ग्रेप्स लगाए हैं और साथ में अंगूर लगाया है. जोरान, कैन यू पास मी सम चिया सीड्स?
ये जो चिया सीड्स हैं इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो पुडिंग को खूबसूरत कलर तो देते ही हैं, साथ में एक क्रंची सा इफेक्ट भी देते, क्रंची सा टेस्ट भी देते हैं, एंड प्लस दे लुक ब्यूटीफुल एंड दे हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू टेस्ट इट विद ज़ोरान। नो, इट हैज टू बी लाइक दिस। सो गाइस, एज यू कैन सी, आवर पुडिंग इज रेडी और अब वक्त है ज़ोरान को इसको टेस्ट करने का। आई होप यू लाइक इट ज़ोरान। Yeah, you like it? Okay, let me taste it also. बहुत ही फ्लेवरफुल है और जैसे कि आपने देखा था हमने इसमें कोकोनट मिल्क यूज़ करा है, पर कोकोनट मिल्क का इसके अंदर ना ही कोई टेस्ट है और ना ही कोई फ्लेवर है और ना ही कोई स्मेल है। इट इज़ जस्ट अ वेरी क्रीमी 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 टेक्स्चर एज यू कैन सी ओवर हियर। सो गाइज, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक बहुत ही इनोवेटिव और नई नई रेसिपीज लेकर आते रहें। So I hope you enjoyed this summer season with this flavorful mango recipe. और हम आपके लिए ऐसी बहुत ही amazing सी mango की और जो summer fruits से उनकी recipes लेकर आते रहेंगे. So keep watching this space. And if you like what we are showing, then please like and share our video. And I think the rest of it Zoran is going to say. So as my mom said, if you like what we are doing,